दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, हम से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक बहुत बेहतरीन अभिनेता अली फजल की बायोग्राफी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अली फजल की पर्सनल लाइफ से जुड़ी सारी गतिविधियों के बारे में आज बात करेंगे, उनके लाइफ पार्टनर के बारे में हम आज बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे किन फिल्मों से उन्हें बॉलीवुड में एक हिट मिली जिसके कारण आज वह बहुत मशहूर है अपने एक्टिंग को लेकर, अपने पर्सनालिटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 यानी 1986 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार है वो ताल्लुकात तो अलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रखता है, लेकिन इनका जो घर है, इनका जो रहना हुआ बचपन में, वे लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम है मोहम्मद रफीक। इनके पिताजी भी पहले फिल्मों में काम कर चुके हैं, वे मिडल ईस्ट की फिल्मों में यानी भारत के जो मध्य पूर्वी इलाके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ की जो फिल्में होती हैं, यहाँ के जो बॉलीवुड, यहाँ की जो फिल्में होती हैं उनमें वे काम कर चुके हैं। और साथ ही इनके माता पिता का तलाक यानी डिवोर्स, जब वे 18 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था। उसके बाद से वह अपने माता के साथ ही रहे और इससे पहले वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपनी नानी के यहाँ पर रहते थे। पढ़ाई लखनऊ के लाल माटी में स्कूल से हुई, इसके बाद वह देहरादून के द डून स्कूल चले गए थे। देहरादून का द डून स्कूल वह ये वही स्कूल है जहाँ से देश के एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन या देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी वहाँ से पढ़े हैं और कई अनेक हस्तियाँ देश की द डून स्कूल देहरादून से पढ़ी है। इसके स्कूल प्लेस करना स्टार्ट किया तो यानी स्कूल के दिनों से इन्होंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था, एक्टिंग में इंटरेस्ट था। 2000 कॉलेज के सेकंड ईयर में थे तो एक थिएटर प्ले के दौरान बॉलीवुड की बेहतरीन निर्देशक ने इन्हें देखा उस प्ले में एक्टिंग करते हुए और उन्हें बॉलीवुड की डेब्यू की पहली फिल्म ही वहाँ पर ऑफर हुई। आपको याद हो तो थ्री इडियट्स चेतन भगत की एक बुक पर आधारित ये फिल्म है, 2009 में आई थी और इसमें एक किरदार था जॉय लोबो का जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो बाद में जाके सुसाइड भी कर लेता है। ये किरदार अली फजल ने निभाया था, बॉलीवुड की पहली फिल्म थी और बहुत सुंदर किरदार था। इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई थी, बहुत छोटा किरदार था लेकिन बहुत सुंदर किरदार था। इससे पहले हम बात करें इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत की तो वह इन्होंने सबसे पहले एक्टिंग करियर की शुरुआत करते हुए एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म करी थी जिसका नाम था द अदर एंड ऑफ द लाइन। ये एक इंडो अमेरिकन फिल्म थी तो ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी। इसके बाद इन्होंने एक अमेरिकन टेलीविजन की एक मिनी सीरीज भी करी थी जिसका नाम था बॉलीवुड हीरो। ये इसकी शूटिंग मुंबई और सैन फ्रांसिस्को दो जगह शूट हुई थी। यहाँ पे इन्होंने 3 एपिसोड की एक सीरीज करी थी। इसके बाद इनका बॉलीवुड डेब्यू होता है थ्री इडियट से जिसमें 2009 में आपको बताया जॉय लोबो का किरदार किया। इसके बाद इनको एक फिल्म मिलती है ऑलवेज कभी कभी, इस फिल्म से इनको एक अच्छी हिट मिली। ये फिल्म चाहे तो एक क्रिटिकल फ्लॉप थी, बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, बट इनकी एक्टिंग को एक अलग नजरिए से देखा गया। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर्स ने इनकी एक्टिंग के बारे में बहुत तारीफ करी। इसके बाद बीच में इन्होंने कहीं लोकल फिल्म्स करी, कुछ फिल्म्स करी जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जो फिल्म पूरी नहीं हो पाई है। 2013 में एक फिल्म आती है फुकरे, एक कॉमेडी फिल्म है, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें एक बहुत लीड किरदार इनको मिला जफर का। जफर अगर आपने फुकरे देखी हो तो आपको याद होगा जफर जो गिटार भी बजाते हैं उसमें। इस किरदार से इन्हें यहाँ मिलती है बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हिट। इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी रही इस फिल्म में और इसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी मिला दर्शकों से। 2013 की फुकरे, उसके बाद फुकरे 2 भी आती है। इसके बाद और भी फिल्में आई जैसे बात बन गई आई, एक बॉबी जासूस आई। जो बात बन गई है वह भी एक शेक्सपियर के एक नाटक पर आधारित एक फिल्म थी, बॉबी जासूस, जिसमें विद्या बालन है। और सोनाली केबल 2014 में एक सोनाली केबल रिलीज हुई। सोनाली केबल में इनकी को स्टार थी रिया चक्रवर्ती जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस को लेकर। सोनाली केबल में इनकी जिंदगी का, इनकी एक्टिंग करियर का पहला इंटेंस सीन यानी किसिंग सीन भी सोनाली केबल में ही हुआ और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है सोनाली केबल के बाद ये अपनी एक्टिंग को लेकर। 2015 में एक थ्रिलर, एक हॉरर फिल्म आती है खामोशियाँ और 2015 में ही फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज आपको पता हो तो एक बहुत बेहतरीन हॉलीवुड की सीरीज है, वहाँ पर इन्हें एक बहुत छोटा सा किरदार मिलता है सफ़र का, सफ़र नाम का इनका किरदार होता है। उसके बाद भी यहाँ तक इनका जो करियर था वो काफ़ी स्टेबल था। इस
इस करियर तक यहाँ पर इनको एक अच्छा एक्टर माना गया, इनको इनकी तारीफ की गई। फिर 2016 में एक फिल्म आती है हैप्पी भाग जाएगी, एक क्रिटिकल सक्सेस, एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस ये फिल्म थी। 2016 में एक बहुत अच्छा किरदार इस फिल्म में अली फजल ने निभाया। अली फजल की इस फिल्म को लेकर बहुत तारीफ हुई। इसके बाद इनको बाहर हॉलीवुड से और बड़े ऑफर आने लगे। हॉलीवुड ने आए तो एक इंग्लिश फिल्म यानी ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म विक्टोरिया नब्दुल, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर इनको बेस्ट ड्रेसिंग का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म का किरदार बहुत बखूबी निभाया इन्होंने, बहुत नाम रोशन किया इन्होंने बॉलीवुड का, इन्होंने इंडिया का इस फिल्म को लेकर। ये फिल्म एक आधारित थी रिलेशनशिप ऑफ क्वीन विक्टोरिया यानी जो ब्रिटेन की महारानी, और एक उनका कॉन्फिडेंट यानी उनका एक क्या आप कह सकते हैं, उनका एक गुलाम जो उनको उनको सारी खबरें देता है, एक इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम। अब्दुल करीम का किरदार अली फजल ने निभाया था। ये फिल्म आपको बताया वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ये रिलीज हुई, तो काफी बड़ी सक्सेस थी ये फिल्म। फिर आता है इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम, 2018 में अमेजन प्राइम वीडियो यानी एक OTT थिएटर का प्लेटफॉर्म, 2018 में एक वेब सीरीज इनको मिलती है जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर उस समय की सबसे बेस्ट सीरीज निकल कर आई, बहुत तारीफ हुई इस सीरीज की, बहुत चर्चे हुए, क्रिटिकल सक्सेस, एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस फिल्म ये थी। और इस फिल्म का बहुत मेन किरदार गुड्डू पंडित, आप सभी को याद होगा गुड्डू पंडित, ये किरदार अली फजल ने निभाया। इस किरदार के बाद अली फजल की बहुत ज्यादा तारीफ की गई, उन्होंने उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इस किरदार को लेकर, उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो स्किल्स थी, बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया इस सीरीज में, बहुत चर्चा में आए। इसके बाद बहुत इंतजार हुआ इस सीरीज का, इस सीरीज के दूसरे पार्ट का। 2020 में इस सीरीज का दूसरा पार्ट अब रिलीज होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, और बहुत ज्यादा उत्साहित है लोग इस सीरीज को लेकर, इस मिर्जापुर 2 को लेकर। साथ ही साथ 2020 में इनकी एक और हॉलीवुड फिल्म आ रही है, डेथ ऑन द नाइल। ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है जो भी कुछ ही दिनों में और रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर भी इनको बहुत सराहना मिली है कि एक इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा अपने मन से काम करते हैं, बहुत अच्छी लगन से काम करते हैं। ज़्यादा एक्टिंग इन्होंने सीखी नहीं थी कहीं, स्कूल थिएटर में काम करते करते इनकी एक्टिंग पर बहुत सुधार हुआ, और अब जो है एक इनको बहुत अच्छी हिट मिलना शुरू हो गई है। साथ ही साथ ये दिल के भी बहुत अच्छे हैं। 2015 से ही ये NDTV और फोर्टिस हॉस्पिटल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम में, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में शुरू हो गए, लग गए थे, वहाँ पर फंड रेज करना शुरू किया। इन्होंने कॉन्सर्ट्स भी करने शुरू किए कुछ म्यूजिशियंस के साथ फंड रेज करने के लिए। साथ ही साथ 2014 में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा द मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में भी ये आए। और अगर हम अब बात करते हैं इनके लाइफ पार्टनर के बारे में, अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों दिलों को मोहित करने वाली अभिनेत्री रिचा चड्ढा, जी हाँ अली फजल की लाइफ पार्टनर है। उनकी अभी शादी नहीं हुई, इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे से कमिटेड रिलेशंस में हैं ये, इसको सोशली अपना चुकी हैं इस रिलेशनशिप को ये। इनकी शादी भी अभी लॉकडाउन में COVID-19 की वजह से हो नहीं पाई, लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाई, वरना अभी तक ये शादीशुदा हो चुके, शादी के बंधन में बन चुके होते ये दोनों, अली फजल और रिचा चड्ढा। अली फजल और रिचा चड्ढा के साथ हिस्ट्री देखे तो फुकरे में पहली बार इन दोनों ने काम किया था। दोस्तों ये थी अली फजल की लाइफ से जुड़ी सभी बातें, अभी तक की सभी बातें। हम दुआ करते हैं कि अली फजल और बेहतरीन फिल्में करे और बेहतरीन अभिनेता बनकर उभरे, साथ ही साथ इन दोनों की शादी भी जल्द हो। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ रिचा चड्ढा की भी बायोग्राफी हम कुछ दिनों में निकालने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।